हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के शेयर्स के बारे में। ठीक है, एनएमडीसी ये मेटल्स एंड माइनिंग का काम करता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी है ये खुदाई क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, तो आज हम इसके शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनएमडीसी। ठीक है, अगर इसके एक शेयर का प्राइस देखा जाए तो आप देख पाएंगे इसके एक शेयर का प्राइस है 111 रुपये 10 पैसा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका रिटर्न्स देखें तो वन डे यानी 18 नवंबर का जो रिटर्न्स था एनएमडीसी का, आप देख पाएंगे यहाँ पे +5.45 यानी 5.10% रिटर्न दिया है 18 नवंबर को एनएमडीसी ने। ठीक है, अगर हम वन वीक का रिटर्न्स देखें तो आप देख पाएंगे वन वीक में ये माइनस में रहा है -3.10 यानी 2.71% वन वीक में। ठीक है, अगर हम वन मंथ का रिटर्न देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे वन मंथ में भी माइनस में ही रहा है -19.45 यानी 14.90% वन मंथ में। ठीक है, अगर हम वन ईयर का रिटर्न देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे वन ईयर्स में भी ये माइनस में ही रहा है -25.35 यानी 18.58% वन ईयर में। ठीक है, अगर हम फाइव ईयर्स का रिटर्न देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे फाइव ईयर्स में भी माइनस में ही रहा है -13.50 यानी 10.83% फाइव ईयर्स में। ठीक है, ऑल अगर हम अभी तक का रिटर्न्स देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे ये अभी तक माइनस में ही रहा है -258.03 यानी 69.90% ऑल यानी अभी तक। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो 3 मार्च 2008 को जो एनएमडीसी के एक शेयर का प्राइस था वो था 486 रुपये 22 पैसा। ठीक है, जबकि आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 नवंबर 2022 को एनएमडीसी के एक शेयर का प्राइस हो गया 111 रुपये 10 पैसा। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि एनएमडीसी के शेयर्स में कितना गिरावट हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस ठीक है, अगर हम एनएमडीसी का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे आप टुडे हाई यानी 18 नवंबर का जो हाई प्राइस था 111 रुपये 50 पैसा और जो 18 नवंबर का लो प्राइस था वो था 106 रुपये 5 पैसा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, 52 वीक का हाई प्राइस 123 रुपये 72 पैसा और 52 वीक का लो प्राइस 70 रुपये 27 पैसा। ठीक है, अगर हम एनएमडीसी का वैल्यूम देखें तो आप देख पाएंगे इसका वैल्यूम है 2021.4459। ठीक है, प्रीवियस क्लोजर प्राइस 105 रुपये 65 पैसा और ओपन हुआ था 106 रुपये 90 पैसा पे। ठीक है, अगर अपर सर्किट देखा जाए तो आप देख पाएंगे इसका अपर सर्किट है 122 रुपये 20 पैसा और लोअर सर्किट 100 रुपये। ठीक है, तो हमने एनएमडीसी का परफॉर्मेंस चेक कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम स्पॉट रेटिंग देखते हैं। अगर हम देखें एनएमडीसी का स्पॉट रेटिंग तो आप देख पाएंगे 60% का रेटिंग है। ठीक है, यानी 60% लोगों ने एनएमडीसी के शेयर्स को बाय किया है। 25% लोग ऐसे हैं जो एनएमडीसी के शेयर्स को खरीद के उसे होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, और 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनएमडीसी के शेयर्स को सेल कर दिया है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल देखेंगे एनएमडीसी का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर हम फंडामेंटल देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे इसका मार्केट कैप है 30,962 करोड़ का। ठीक है, आरओई है 28.92%, पीई रेशियो 4.93, ईपीएस 21.44, पीवी रेशियो 0.88, डिविडेंड 13.95, इंडस्ट्री पी 10.91, बुक वैल्यू 69.98, डेप टू इक्विटी 0.11 और फेस वैल्यू 1। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल चेक किया जिसमें हमने मार्केट कैप, आरओई, पीई रेशियो, ईपीएस, पीवी रेशियो, डिविडेंड, इंडस्ट्री पी, बुक वैल्यू, डेप टू इक्विटी और फेस वैल्यू हमने चेक किया। ठीक है, अब हम चलिए एनएमडीसी का फाइनेंशियल में इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क चेक करते हैं। ठीक है, मैं तकरीबन अपने हर एक वीडियो में बात बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको उसका 5 सालों का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क जरूर देखना चाहिए, ताकि आप ये समझ जाएं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू अगर हम एनएमडीसी का रेवेन्यू देखें तो आप देख पाएंगे इसका 2018 में जो रेवेन्यू था वो था 11,615 करोड़ का, 2019 में 12,153 करोड़ का, 2020 में 11,699 करोड़ का, 2021 में 15,370 करोड़ का और 2022 में 25,882 करोड़ का। ठीक है, अगर हम एनएमडीसी का रेवेन्यू देखें तो आप देख पाएंगे पिछले 4 सालों के तुलना में 2022 में काफ़ी बड़ा है एनएमडीसी का रेवेन्यू। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम प्रॉफिट की बात करते हैं।
अगर हम एनएमडीसी का प्रॉफिट देखें तो आप देख पाएंगे 2018 में जो प्रॉफिट था वो था 3808 करोड़ का, 2019 में 4619 करोड़ का, 2020 में 3573 करोड़ का, 2021 में 6277 करोड़ का और 2022 में 9380 करोड़ का। ठीक है, अगर हम एनएमडीसी का प्रॉफिट देखें तो आप देख पाएंगे इसका प्रॉफिट भी पिछले 4 सालों के तुलना में 2022 में बढ़ा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम नेटवर्थ की बात करते हैं। अगर हम नेटवर्थ देखें एनएमडीसी का तो आप देख पाएंगे 2018 में जो नेटवर्थ था वो था 24417 करोड़ का, 2019 में 26044 करोड़ का, 2020 में 27673 करोड़ का, 2021 में 29884 करोड़ का और 2022 में 34987 करोड़ का। ठीक है, अगर हम एनएमडीसी का नेटवर्थ देखें तो आप देख पाएंगे इसका नेटवर्थ लगातार 5 सालों में बढ़ता ही गया है। ठीक है, तो हमने एनएमडीसी का रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ चेक किया जिसमें हमने देखा इसका रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ लगातार 5 सालों से बढ़ता ही गया है। ठीक है, अब हम इसके कंपनी के बारे में जानते हैं एनएमडीसी। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो आप देख पाएंगे इसका एनएमडीसी लिमिटेड है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं श्री सुमित देव। ठीक है, फाउंडेड इन 1958 और एनएसई सिंबल एनएमडीसी। ठीक है, अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करेंगे। ठीक है, जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करेंगे वो सितंबर 2022 का करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, प्रमोटर्स में 60.79%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में 16.05%, रिटेल में 12.64%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 5.94% और म्यूचुअल फंड्स में 4.58%। ठीक है, तो हमने एनएमडीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी के बारे में हमने देखा, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ हमने चेक किया पिछले 5 सालों का, फंडामेंटल देखा, एक्सपर्ट रेटिंग देखे, परफॉर्मेंस देखा। ठीक है, तो हमने तकरीबन एनएमडीसी की सारी डिटेल्स चेक कर ली है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हमें एनएमडीसी के शेयर्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के आप भी आसानी से समझ गए होंगे कि हमें एनएमडीसी के शेयर्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।